बुरहानपुर के गुजराती समाज मार्केट में स्थित सोनी लेदर फॉर्म की दुकान में अचानक आग लग गई। आग लगने से दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों की मदद से आग बुझाने की कोशिश की गई। बता दें कि आग लगने का कारण अभी भी स्पष्ट नहीं हुआ है। चश्मदीदों के मुताबिक यह आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी होगी। वहीं इस घटना पर दुकान संचालक ने कहा कि नुकसान का आकलन करना तो मुश्किल है, फिर भी एक अनुमान के मुताबिक 5-7 लाख रुपए का नुकसान जरूर हुआ है। बुरहानपुर से गोपाल देवकर की रिपोर्ट। घर पे था, मुझे फोन आ रहा पूछने वाली कि आग लग गई हरिओम देव सेंटर में, और ये शहर के गिरी चुनी दुकानों में से एक दुकान थी जहाँ बैग भी बनते थे पूरा रैगजीन का, और यहाँ सब पूरी तरीके से एक नंबर का काम होता था। लेकिन इस यहाँ आग लगने का मुख्य कारण यह है कि यहाँ एक पेड़ कट रहा है, उसकी टहनियाँ जब गिरती है तो तारों के ऊपर गिरती है, जिसके कारण पूरे दुकानों के अंदर लाइट बंद चालू होती है और उसके अंदर शॉर्ट सर्किट का खतरा रहता है। हालांकि पूरे दुकानदार अपने मेन स्विच ये सब बंद करके जाते, लेकिन ये पता नहीं शॉर्ट सर्किट से हुआ या हुआ। और दूसरा, इस मार्केट में इसके पहले भी 3 से 4 बार दुकानें जल चुकी है। मुझे ना फोन द्वारा सूचना मिली और मैं तत्काल दुकान पर आया तो देखा तो आग काफ़ी फैली थी। वैसे फायर ब्रिगेड वालों को पड़ोसी ने फ़ोन कर दिया था, सूरज भाई करके हैं, आया। बाकी हमने एक ताला, मेरे पास चाबी थी, जब ताला खोला बाकी उसमें से बहुत ज़्यादा आग आ रही थी, जैसे आधा ही शटर खोल पाया था। कितने का नुकसान मान रहे हैं? अंदाज लगाना तो मुश्किल है, बाकी मैं मान के चलता हूँ तो 6-7 लाख।